हुण खबरां विस्तार नाल सेबी ने करीब 7 साल पुराने सत्यम घोटाले संबंधी कार्रवाई विच मुड़ तेजी लियांदिया एक नवा आदेश जारी करदे होए मुख मुलजम बी रामलिंग राजू नाल संबंधित 10 इकाइयां नूं घोटाले विच कमाए गए 1800 करोड़ रुपए जमा कराने लई किया है। इस बहुचर्चित घोटाले विच राजू दी मां भरा ते बेटा भी शामिल ने। इस दे अलावा इस इकाइयां नूं गैर कानूनी कमाई ते करीब 1500 करोड़ रुपए का ब्याज भी देना पवेगा। यह जुर्माना 7 जनवरी 2009 तो लगाया गया है। पिछले साल जुलाई विच भी 1849 करोड़ रुपए की गैर कानूनी कमाई ब्याज समेत जमा कराने का निर्देश दिया गया। गल करते हैं प्रधानमंत्री के चंडीगढ़ दौरे की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ दौरे ते ने जिथे मोदी 484 करोड़ रुपए की लागत के नाल बन के तैयार हुए मोहाली अंतरराजी हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस तों बाद मुख मेहमान के तौर पर PGIMI एक कन्वोकेशन च हिस्सा भी लेंगे। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री किफायती आवास योजना के लाभार्थियों चाबी सौंपणगे अते सैक्टर 25 के रैली मैदान में एक रैली नूं संबोधन करनगे। PM दे दौरे दे मद्देनजर पूरे शहर विच सुरक्षा दे पुख्ता इंतजाम किए गए ने। राजस्थान दे जैसलमेर जिले विच तैनात होमगार्ड्स ने प्रधानमंत्री दे नाम अपने खून नाल चिट्ठी लिख के इच्छा मौत दी मांग की है। प्रधानमंत्री नूं लिखे पत्र विच होमगार्ड्स जवानां ने अपनी समस्यावां बारे दस्सिया है। जवाना ने हड़ताल चोन एमरजेंसी सेवा हड़ अते होर कानून व्यवस्थावां दा हवाला देंदे होए कहा कि होमगार्ड जवाना दा शोषण किया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि जवान हड़ताल अते होर दंगा फसाद वर्गी घटनावां नूं अंजाम नहीं देना चाहते क्योंकि इस नाल देश दा नुकसान होगा, इसलिए उन्हां नूं पक्के करन जां इच्छा मौत की इजाजत दी जाए। जिले के होमगार्ड समेत आस पास के जिले तो आई करीब 200 होमगार्डा ने खून नाल पत्र लिखे। भारत पाक विचले सरहद ते फायरिंग बंद करन संबंधी रजामंदी होने की खबर आई है। दिल्ली विच वीरवार नूं BSF अते पाकिस्तान रेंजर्स दे विच DG पद दी गलबात विच सीमा ते सीजफायर उलंघन अते घुसपैठ दे मुद्दे ते गलबात हुई। पाकिस्तान दे वल्लों DG पाकिस्तान रेंजर्स मेजर जनरल उमर फारूक बुरकी जबकि भारत वल्लों BSF दे DG DK पाठक शामिल हुए। अज पाक रेंजर्स दे DG गृहमंत्री राजनाथ सिंह नाल मुलाकात करनगे। इस तों पहलां 2013 ते 2014 विच 3 बार BSF अते पाक रेंजर्स विचकार गलबात हो चुकी है। जानकारी मुताबिक दोनों देश फायरिंग बंद करन ते राजी हो गए ने। पाकिस्तानी पंजाब दी सरकार ने महाराजा रणजीत सिंह दी खिते नूं विशेष दर्जा देने दे मद्देनजर उन्हां दे नां ते लाहौर विच विशेष इमारतां जां सड़कां बनाउण दी मांग नूं मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान पंजाब दी असैंबली दे पहले सिख मैंबर रमेश अरोड़ा ने महाराजा रणजीत सिंह दीआं बेनामी संपत्तियां दा मसला अते उन्हां दीआं प्राप्तियां दा वेरवा दिंदिआं उन्हां दे नां ते सड़कां ते सरकारी इमारतां दे नां रखण दी गल कही सी, जिस तों बाद पाकिस्तान पंजाब दे कानून मंत्री राणा सनाउल्ला ने बहुमत के फैसले नाल इस नूं मंजूर कर लिया। अमेरिका दे शिकागो विच बजुर्ग सिख ते हुए कातलाना हमले ते नोटिस लैंदिआं जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ज्ञानी गुरबचन सिंह ने घटना नूं बहुत मंदभागा करार दिता है। उन्हां इस घटना दे दोषियां प्रति करड़ी कार्रवाई की मांग की। जथेदार गुरभजन सिंह ने कहा कि सिख अमन पसंद ने जो किसी का माड़ा नहीं सोचते। बहुत ही चिंता का विषय है। काफ़ी लंबे समय तो अमेरिका दे विच सिखां दे उत्ते हमले हो रहे ने और कुछ दिन पहलों ही अजे भोले का कतल होया जिसका अजे तक कोई पता नहीं चलिया है। फिर एक नौजवान दे उत्ते गोली चला दी गई जिहदा अजे तक कोई पता नहीं है। USA की सरकार नूं चाहिदा है कि उन्हां कातलां नूं जिन्हां दीआं घिनौनियां कारवाइयां ने जल्दी तो जल्दी शनाख्त करके क्योंकि बाहरलियां जिहड़ियां पुलिसां ने बहुत ही सुचेत ने और पर इन्हां तो बहुत ढिलाई नज़र आ रही है। इस करके असीं कहना चाहवांगे कि जल्दी तो जल्दी जिहड़े कातल ने उन्हां नूं फड़ के सज़ावां दित्तियां जाण, कानून के अनुसार उन्हां दे उत्ते कार्रवाई की जाए
और समुचियां सिख संगतां जथेबंदियां अपनी पहचान बनाउण दे वास्ते गुरुद्वारियां विचों बाहर निकल के मनुखता की सेवा करन, दुखियां दर्दां की सहायता करन, जिथे भी किते लोड़ पैंदी है किसी की मदद की उत्थे मदद करन, तां कि साडी जिहड़ी कौम है आल वर्ल्ड दे विच इसकी एक वक्री पहचान बन सके कि यह किसी का बुरा नहीं चितवदे, किसी के नाल धोखा नहीं करते, ये सारयां नूं इंसाफ पसंद ने, सारयां दी ये सहायता करनी लोड़दे ने। इस करके सिख जथेबंदियां नूं भी, गुरुद्वारा कमेटियां नूं भी इस पासे अपनी पहचान बनाउण वास्ते वड्डे तो वड्डे उपराले करने चाहिए ने, और सरकारां ते दबाव बनाउणा चाहीदा है कि वह जिन्हां ने भी ये घिनौनी कार्रवाई की, नौजवान ते गोली चलाई है जां पहलां भोले दा कतल किया है, उन्हां कातलां नूं लभ के कटहरे विच खड़ा किया जाए। रुक करते हैं अगली खबर वाल। पंजाब दे पशु पालन डेयरी विकास मंत्री गुलजार सिंह रणीके ने सैक्टर 68 विखे पशु तन विकास भवन का नींह पत्थर रखा। पशु तन विकास की इमारत अगले साल बनेगी। इस मौके सरदार रणीके ने कहा कि इस भवन के बनने नाल पशु पालन, डेयरी विकास और मच्छी पालन विभागों का काम होर वधेरे सुचारू ढंग नाल होगा, क्योंकि इन विभागों से संबंधित बोर्डा के 250 तो ज्यादा अफसर इको थां आ जाएंगे। हाल की घड़ी ये अफसर चंडीगढ़ के मोहाली विच वख-वख किराए दी इमारतों विच काम कर रहे हैं। उन्होंने दस्सिया कि इस भवन की अनुमानित लागत 11 करोड़ रुपए है। रणी के मुताबिक यह भवन 100 सहूलत लैस होगा। एक साल दे विच काम नहीं दिता, एक साल से सानू तैयार करके इन्हें पूरा वधिया ढंग नाल वधिया बनाउणा भी वधिया अज दे युग दे अनुसार एक साल का ही टाइम दिता उन्होंने, कोई एक साल दे विच कोई इन्हें तैयार करके दो। तो मैं धन्यवाद करदा पंजाब दे मानयोग मुख्यमंत्री साहब दा, डिप्टी सीएम साहब दा, कि उन्होंने यही बेनती कीती है कि सानू जिहड़ा किराया साल का ही दिंदे जी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जथेदार अवतार सिंह मक्कर नूं श्री अकाल तख्त साहिब के श्रोमणी सेवक के अवार्ड नाल सम्मानित किया गया है। इस सम्मान श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह वालों पांच सिंह साहिबाना की हाजरी विच दिता गया है। जिक्र खास है कि पिछले 10 साल तो कौम की चढ़ती कला ते समाजिक ते धार्मिक खेतर विच किते उपरालियां दे चलदिया जथेदार अवतार सिंह मक्कर नूं इह सम्मान दिता गया। दस दईए कि अवार्ड देन लई एक अंतरिम कमेटी का गठन किया गया सी, जिसने मार्च महीने विच जथेदार मक्कर दी इस अवार्ड लई चोण कीती सी। जथेदार साहिब ने अवार्ड लैण उपरंत पंथक कार्जां विच जुटे रहण दा अहद दोहराया। चंडीगढ़ दे सैक्टर 3 विच पंजाब भवन विच पंजाब कैबिनेट दी अहम मीटिंग हुई, जिस विच पंजाब विधानसभा दे अगले सैशन दीआं तरीकां दा ऐलान कर दिता गया है। इस बैठक दी प्रधानगी सूबे दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कीती। पंजाब विधानसभा दा अगला सैशन 18 सितंबर तों 24 सितंबर तक चलेगा। इस मीटिंग विच अहम फैसला लैंदिआं मंत्रीमंडल ने धर्मी फौजियां नूं कई तरह दीआं आर्थिक सहायता दा ऐलान कीता है। जो हमारे जो फौजी वीर 1984 में जो आर्मी असॉल्ट गोल्डन टेंपल के ऊपर हुआ था, उसके प्रोटेस्ट में बैरिक्स छोड़ गए थे, तो उनको मंथली ग्रांट दी जाती है एक जो उनको रिहैबिलिटेट करने के हिसाब से, तो उनकी जो मंथली जो है ग्रांट का जो अमाउंट है उसको 3000 से बढ़ाकर 6000 किया गया है, और ऐसे ही उनकी विधवाओं और परिवारों के लिए अलग जो तौर पर एक दिया जाता है वो 5000 दिया जाता था, उसको बढ़ाकर अब 10000 रुपए किया गया है। जिला गुरदासपुर दे अदालती कंपलैक्स विच उस वेले सनसनी फैल गई जद एडिशनल सैशन जज के अहलद दी लाश उस दे कमरे विच पखे नाल लटकदी मिली। मौके ते पहुंची पुलिस दे अधिकारियों ने लाश नूं कब्जे विच लैके सिविल हस्पताल भेज दिता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला आत्महत्या का नजर आ रहा है, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेट आवाज आया, पता नहीं या तो पता नहीं तो कोई चाबी होंगी है, चाबी आके अपने कमरे जा गया, बाकी दे बारे तफ्तीश जारी है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 174 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਤੇਲੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਏ ਗਏ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਿਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਮਾ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਕਤ ਔਰਤ 10 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੱਦ 4.5 ਫੁੱਟ, ਚਿਹਰਾ ਗੋਲ ਅਤੇ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਿਨ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਟਿਨ ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।